बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया किस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है, इसका प्रेडिक्शन टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने किया है। उन्होंने रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल को नहीं बल्कि किसी अन्य खिलाड़ी को चुना है। इसके अलावा रवि शास्त्री ये भी चाहते हैं कि एक खिलाड़ी भारत के लिए डेब्यू भी करे। इसी पर बात करते हैं कि उन्होंने किस किस प्लेयर को अपनी टीम में जगह दी है। आप देखना शुरू कर चुके हैं विकी क्रिकी, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में दो बार टेस्ट सीरीज जिताने वाले कोच रवि शास्त्री ने इस बात का ऐलान किया है कि उनके मुताबिक पर्थ टेस्ट मैच में टीम इंडिया किस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है या फिर उतरनी चाहिए। पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा क्रिकेट कमेंटेटर रवि शास्त्री ने रोहित शर्मा के बिना 22 नवंबर से शुरू हो रहे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का चयन किया है। इसके अलावा उन्होंने एक खिलाड़ी को डेब्यू भी कराने की दलील दी है। रोहित शर्मा को रवि शास्त्री ने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि रोहित शर्मा की अभी तक पुष्टि नहीं है कि वे पहला टेस्ट खेलेंगे या नहीं, क्योंकि दूसरे बच्चे के जन्म की वजह से वे अभी तक भारत में हैं। हालांकि उन्होंने प्रैक्टिस मुंबई में जारी रखी है तो उम्मीद है कि जैसे ही चीजें सही होंगी तो वो पहुंच जाएंगी, लेकिन फिलहाल के लिए रवि शास्त्री ने रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी है। तो इनके बिना बात करते हैं कि रवि शास्त्री ने किन किन खिलाड़ियों को रखा है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की। तो रवि शास्त्री ने ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में केएल राहुल को नहीं बल्कि शुभमन गिल को यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनर चुना है। रोहित शर्मा की जगह पर शुभमन गिल को उन्होंने चुना है तो गिल की जगह केएल राहुल को रखा है। शुभमन गिल पहले भी ऑस्ट्रेलिया में ओपनर के तौर पर खेल चुके हैं, जबकि केएल राहुल ऐसे खिलाड़ी हैं जो टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक आसानी से खेल चुके हैं और खेल सकते हैं। नंबर 3 पर रवि शास्त्री ने केएल राहुल को इसलिए भी रखा है कि वे फॉर्म में नहीं हैं। अगर वे ऊपर आए और पहले दूसरे ओवर में आउट हो गए तो फिर उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी और ये टीम इंडिया के लिए भी मुश्किल चुनौती होगी। वहीं अगर नंबर 4 की बात करें तो रवि शास्त्री ने बिना किसी विवाद के प्लेइंग 11 में विराट कोहली को चुना है और 5वें नंबर पर उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को रखा है। रवि शास्त्री ने सरफराज खान को टीम में जगह नहीं दी है, उनकी जगह शास्त्री ने ध्रुव जुरेल को रखा है जो इंडिया ए के लिए ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दमदार लय में नजर आए थे। उन्होंने हर पारी में लगभग रन बनाए थे। रवि शास्त्री ने पर्थ टेस्ट मैच के लिए आर अश्विन को भी नहीं चुना है, वे एक ही स्पिनर के साथ जाना चाहते हैं और वह भी ऑलराउंडर हो। ऐसे में शास्त्री ने नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर में से किसी एक को प्लेइंग 11 में शामिल करने की सलाह दी है। शास्त्री ने 8वें नंबर पर एक युवा खिलाड़ी को मौका देने की बात कही है जिनको अभी टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करना है। ये कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार रेड्डी हैं। नीतीश रेड्डी को रवि शास्त्री ने 8वें नंबर पर रखा है जो बल्लेबाजी के साथ साथ आपको पेस बॉलिंग का ऑप्शन भी देंगे। वहीं तेज गेंदबाजी आक्रमण में रवि शास्त्री ने जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज को रखा है। इस तरह रवि शास्त्री की प्लेइंग 11 में ओपनर के तौर पर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, नंबर 3 पर केएल राहुल, नंबर 4 पर विराट कोहली, नंबर 5 पर ऋषभ पंत, नंबर 6 पर ध्रुव जुरेल, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर नीतीश रेड्डी, नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह, 10 पर आकाशदीप और 11 पर मोहम्मद सिराज हैं। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या यही प्लेइंग 11 पर्थ टेस्ट मैच में हमको नजर आएगी या फिर कोई बदलाव आप चाहते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।